गुड मॉर्निंग क्लास फाइव, टेक आउट योर ईवीएस नोटबुक। एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड टू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। टुडे वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर थ्री। यू हैव ऑलरेडी रिटन द नेम ऑफ द चैप्टर, जस्ट राइट डाउन टुडेज डेट अगेन जस्ट बीनीथ द प्लेस वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर लास्ट वर्क, उसी के नीचे से स्टार्ट करना। ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर थ्री विद ब्लैक पेन, ब्यूटिफुली कर्सिव हैंड राइटिंग। स्टेट द माउंटेन ranges of Himalayas. Himalayas की three mountain ranges है ना, एक सबसे बड़ी, एक बीच में और एक सबसे छोटी, कौन कौन सी? हिमाद्री, हिमाचल and शिवालिक are the three mountain ranges of Himalayas. So write down the answer with blue pen, gel pen, हिमाद्री कॉमा हिमाचल एंड शिवालिक आर द माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज। व्हाट आर द थ्री माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। व्हाट आर द थ्री माउंटेन रेंजेस? हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक आर द थ्री माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज। लीव वन लाइन, राइट वेरी नीटली, ड्रॉ लाइन विद अ स्केच पेन। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर फोर, नोट इट डाउन फर्स्ट। What is the Earth's crust? अर्थ का क्रस्ट क्या होता है? जो टॉप लेयर है अर्थ की जिसपे हम रहते हैं, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, टॉप लेयर जिसपे हम रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसके बाद क्या आता है? मेंटल। और सबसे अंदर जो सबसे गर्म लेयर है वो क्या है? जो हॉट मैग्मा से बनी है, वो होती है कोर। ओके, सो राइट डाउन द आंसर फॉर क्रस्ट। द अर्थ सरफेस ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड the earth's crust. So what is the earth's crust? The surface of the earth, सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पे हम रहते हैं, the surface of the earth on which we live is called the earth's crust. The surface of the earth on which we live is called the earth's crust. Very good. Note it down. Question number five. What are plains? Plains क्या होते हैं? Plain कहते हैं plain area. एक तो माउंटेन होते हैं जो रॉकी होते हैं, डेजर्ट होते हैं तो बिल्कुल सूखे होते हैं, प्लेन एरिया जहां पे बिल्कुल प्लेन होता है, जहां पे सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, अच्छी खेती होती है, वो होते हैं प्लेन। दो तरह के प्लेन पढ़े थे हमने, एलुवियल प्लेन एंड कोस्टल प्लेन्स। सो राइट डाउन, वास्ट यानी बड़े बड़े,
स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड्स दैट आर mostly fertile are called plains. क्या होते हैं plains? बड़े बड़े areas flat land के जो कि काफी fertile होते हैं. Vast areas of flat land that are mostly fertile are called plains. And how many types of plains are there? Alluvial plain and coastal plains. And what are alluvial plains? The plains which are formed by the silt of the rivers that come from the mountains are called alluvial plains. And the plains which are found along the sea coast are known as coastal plains. So, what is a plain? Vast stretches of flat land that are mostly fertile are called plains. All right. So, that's all for today. You have done 3 more question answers. You have completed 5 question answers of the chapter, and remaining 2 question answers we will do tomorrow. Okay, so complete this work, children, neatly. Do your homework properly, and then we'll continue the chapter. Bye bye, and take care.